नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं वीडियो टीवी भारत। फ्रीजी हेयर की समस्या एक बार शुरू हो जाए तो रुकने का नाम नहीं लेती। यही नहीं, ये हर मौसम में स्कैल्प्स में खुजली, हेयर फॉल जैसी समस्याओं से लोग भी परेशान रहते हैं। सही देखभाल के अभाव में बालों का दो मुहा होना भी एक समस्या है। ऐसे में बालों की खास देखभाल जरूरी है। जब एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी अधिक होती है तो बालों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस नमी की वजह से बाल अपना नेचुरल मॉइस्चराइजर खो देते हैं और बालों में चिपचिपाहट आने लगती है। इनकी वजह से बालों की चमक गायब हो जाती है। ऐसे में अगर हेयर स्टाइलिंग की कोशिश की जाए तो बाल और डैमेज हो जाते हैं। हम आपको आज तवित पानी में बताते हैं हेयर केयर के समय किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। अपने बालों में स्टाइलिंग के लिए हीटिंग टूल्स का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ये आपके बालों को बहुत ज्यादा रूखे और बेजान बना देता है। ऐसे में ये परमानेंट डैमेज तो कर ही देता है, इसलिए विशेषज्ञ हीटिंग टूल्स का उपयोग मना करते हैं। बालों में ऑयलिंग जरूरी रूटीन है, लेकिन अगर आप दिन भर इन बालों में तेल लगाकर रखेंगे तो ये आपके बालों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप शैम्पू करने से एक घंटे पहले बालों में तेल लगाएं और फिर सर धो लें। ऐसा ना करने पर बाल कमजोर होते हैं और झड़ने लग सकते हैं। अगर आप बारिश के पानी में गीले हो गए हैं तो तुरंत अपने बालों को साफ कर लें। ऐसा ना करने पर बालों को नुकसान हो सकता है। दरअसल इस पानी में एसिडिटिक तत्व होते हैं जो कई समस्याओं की वजह हो सकते हैं। अन्य मौसम की तरह ही मॉनसून में भी बालों में कंडीशनिंग बहुत जरूरी होती है। सब मौसम में बालों में कंडीशनिंग करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में आप अपने बालों के हिसाब से हेयर मास्क लगा सकते हैं। इसके अलावा बालों में हेयर सीरम का उपयोग भी कर सकते हैं। ऐसा ना करने पर बाल रूखे और फ्रीजी हो सकते हैं। तो ये थी हमारी खास पेशकश। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार।